हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ECO 05 आपका सब्जेक्ट है जिसे हम प्यार से मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। सर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल पर आएंगे सर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रेस करेंगे बेल आइकॉन और सर फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जैसे आएंगे पहली ही प्लेलिस्ट है ECO 05 BCOM इग्नू मर्केंटाइल लॉ। सर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा, मैं श्योरिटी देता हूँ कि सर आप अपने एग्जाम में 70-80 मार्क्स इजी लेकर आ जाएंगे। और सर इस प्लेलिस्ट को सर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि सर बेनिफिट शेयर करने से ही आपका बढ़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब हमारे टॉपिक का नाम है सर डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली सर एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है आपको बताता हूँ। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सर एग्रीमेंट में एक प्रॉपर ऑफर होता है जो और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होता है। बेसिकली सर अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये क्या होता है, एक अग्रीमेंट लाइक ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को क्या दिया, ऑफर दिया क्या खरीदने का, एक कार खरीदने का, कितने रुपये में, 20,000 रुपये में मान लो, 20,000 में। और बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया सर, एक अग्रीमेंट बन गया। क्लियर सर, ये एक अग्रीमेंट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक प्रॉपर अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मतलब सर एक अग्रीमेंट का मतलब क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है, ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उम्मीद है सर आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर ऑफर कैसे बनता है, ऑफर क्या होता है सर, प्रॉपर ऑफर मीन्स सर ए ने बी को ऑफर दिया क्या आप मेरी जो कार है उसे 20,000 रुपये में खरीदना चाहते हैं। एक प्रॉपर ऑफर दिया जहां पर कार बता दी गई, अमाउंट बता दिया। बी ने क्या कहा, हाँ मैं आपकी कार खरीदना चाहूँगा 20,000 रुपये में। तो ये क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक प्रॉपर अग्रीमेंट बन गया। तो ये अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब जहाँ पर कानून के तहत होना चाहिए। अब सर डिफरेंस पे चलते हैं। सर एक अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। मतलब सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं। जैसे हमने बताया ऑफर इज इक्वल टू अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, सर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ, क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं सर, एन अग्रीमेंट मे बी नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्या कहा सर इन्होंने सेकंड पॉइंट में, एक अग्रीमेंट जो है एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बना पाता। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब सर लीगली उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना, लाइक अगर एक पार्टी ने वादा कर दिया कि ये काम मैं करूंगा तो लीगली वो ऑब्लिगेट नहीं होता अग्रीमेंट के केस में। बट अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की तो सर कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरीली वो पर्सन ऑब्लिगेट हो जाता है, मतलब सर वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मजबूर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर, थर्ड पॉइंट है हमारा एवरी अग्रीमेंट नॉट में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है सर, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। क्योंकि सर अग्रीमेंट क्या होता है, एक ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, बट अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट ही चाहिए होता है, समझ पा रहे हैं सर आप, लाइक अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू पहले वो अग्रीमेंट होगा, फिर अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं सर, अग्रीमेंट इज नॉट अ कंक्लूडेड और बाइंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न्ड पार्टी। इन द सेंस क्या, अग्रीमेंट क्या करता है, दोनों पार्टी को बाउंड नहीं करता एक कॉन्ट्रैक्ट में, बट एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, बाउंड कर देता है कंसर्न्ड पार्टी को, जिनको अपनी ड्यूटीज अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। आई होप सर ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये चारों पॉइंट और ये टॉपिक जो हमारा था डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर
आप लोग को अगर कुछ भी डाउट हो सर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। बाकी सर अगर आपको थोड़ा बहुत लाइक 40-50-60% समझ आओ तो सर इस वीडियो को अगेन देखें, आपको सर पूरी तरह समझ आ जाएगा। आई होप सर यू लाइक द वीडियो। सर प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।